अगली खबर में बात करते हैं बेरोजगारी को लेकर, जहां देश भर में स्थायी 60 लाख सरकारी पदों पर तत्काल भर्ती करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून पास करने की मांग के साथ रोजगार आंदोलन किया गया। बेरोजगारों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने वालों ने कहा कि आज देश की बात फाउंडेशन के तहत पूरे देश में हर जिले पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रीवा जिले में भी संगठन रोजगार आंदोलन के लिए आवाज उठा रहा है। आरटीआई के तहत संगठन ने जानकारी जुटाया है, जिसमें उन्हें जानकारी ही है कि 60 लाख पद रिक्त हैं, जिन्हें भरने के लिए ज्ञापन देने पहुंचे हैं। नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने कहा कि संगठन के द्वारा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, उनके ज्ञापन को आगे बढ़ाया जाएगा। ये सुनते हैं आंदोलनकारी और नायब तहसीलदार ने पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है। सभी साथियों को जय हिंद। आज देश की बात फाउंडेशन के तहत जो संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति का बैनर है, उसके तहत पूरे हम देश के अंदर हर जिले में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किए हैं और रीवा जिले में भी रोजगार आंदोलन जो है हिस्सेदारी निभा रहा है। इसका मूल उद्देश्य है जो सरकारी पद खाली हैं, जिसमें से हम लोगों ने आरटीआई के द्वारा जो हमारा संगठन जानकारी लेके आया है, वो ये है कि 60 लाख लगभग पद खाली हैं पूरे देश के अंदर, उन सभी पदों को तत्काल भरा जाए और युवाओं को रोजगार दिया जाए ताकि वो देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सकें। इसी मांग को लेकर आज हम लोगों ने एक दिन का सांकेतिक उपवास किया है और अगर आगे हमारी बात को सुना नहीं जाएगा तो हम लोग और बड़े आंदोलन करेंगे और जन समर्थन मिलेगा और हम लोग अपने अधिकार लेंगे। आज संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति की रीवा इकाई के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम पर कलेक्टर सर रीवा के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन में जो मुख्य बिंदु है वो देश में जो बेरोजगारी है और जो 60 लाख सरकारी पद खाली हुए हैं उसे भर्ती को लेकर के कहा गया है। साथ ही जो 2022 में रोजगार नीति बनी हुई है उसको लेकर के भी उसमें सुधार के और नए बिंदु जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया, उसी के संबंध में ये ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, द्वारा उचित माध्यम से अग्रेसित कर दिया जाएगा। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।